एलोपैथिक दवाएं खूब खा ली है। उन्होंने बोला ऑपरेशन के अलावा ये हमारे पास इसका कोई आज की तारीख में बिल्कुल खत्म हो गया है। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम परिचय दीजिए। गजेंद्र सिंह भंडारी, निवास स्थान मेरा कुमारवाड़ा है जी। 69 मेरी एज है जी। तो जैसे कि हमको जो जानकारी मिली उस हिसाब से आपको गाल ब्लैडर में स्टोन था, ठीक है सर। यूएसजी रिपोर्ट करवाने के बाद में जो आपने आयुर्वेद से इलाज लिया, राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार से आपका इलाज चला, वैद्य डॉक्टर शोभालाल औदिच्य द्वारा आपका इलाज चला है और आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। सर, मैंने एलोपैथिक दवाएं खूब खा ली है, करीब 1.5 साल से मेरा इलाज चल रहा था। जब सोनोग्राफी करवाई तो उसके अंदर गाल ब्लैडर में स्टोन डॉक्टर साहब ने बोला, उन्होंने बोला ऑपरेशन के अलावा ये हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है जी। तो उसके बाद मैंने सोगालाल जी डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि इसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब ने दवाई दी, उससे पहले मेरे 11 mm स्टोन था, दवाई लेने के बाद में 6 mm हुआ, उसके बाद में 3 mm हुआ और उसके बाद आज की तारीख में बिल्कुल ख़त्म हो गया जी सर। तो कुल मिला के आपका आयुर्वेद में इलाज इस चला करीब 6 महीने तक इसका इलाज चला। ठीक है सर। शुरुआत में इसका पता आपको वहीं अंग्रेजी दवाई करवाते समय यूएसजी में पता चला। ठीक। ऐसे रोगी जो गाल ब्लैडर स्टोन के रोगी हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना तो यही कहना है कि उनको आयुर्वेद से इलाज करवाना चाहिए, जिससे जड़ से हर बीमारी का इलाज और बीमारी खत्म हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। अब हम सीधे आपका जो इलाज चला है डॉक्टर वैद्य शोभालाल औदिच्य जी उनसे बात करते हैं इस बारे में। सर नमस्ते। जी नमस्ते। आपके पेशेंट हैं गजेंद्र सिंह जी भंडारी और उनका इलाज चला है गाल ब्लैडर स्टोन का और पिछले 3 महीनों में इनके जो परिणाम आए हैं वो सकारात्मक परिणाम बहुत अच्छे आए हैं और इनका गाल स्टोन निकल चुका है। तो सर जैसा बताते हैं कि कई अन्य पैथियों के अंदर इसका इलाज नहीं हो पाता है, ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है ऐसा कहते हैं, तो आपके द्वारा जो ये इलाज किया गया इस रोगी में काफ़ी अच्छा प्रभाव हुआ है और ये बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, तो इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि ऐसे रोगी जो आयुर्वेद से इलाज लेकर गाल ब्लैडर स्टोन में लाभ ले सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा आप दीजिए। वैद्य शोभालाल औदिच्य, राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार में विगत 20-22 साल से यहाँ निरंतर सेवा दे रहा हूँ मैं। और इस सेवा के दौरान हमको यहाँ बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं जो बहुत अच्छे आयुर्वेद से परिणाम आते हैं हमारे यहाँ। तो जब मैं शुरू में आया था यहाँ 2002 में, तब हमारे पास जो भी गाल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आते थे हम तुरंत उनको रेफर कर देते थे एलोपैथी की साइड में कि वहाँ जाके इलाज कराओ, क्योंकि सर्जी के अलावा इलाज नहीं होता, ये हम भी मानते थे और अधिकतर सर्जन ये भी कहते हैं। तो हमने धीरे धीरे अनुसंधान किया और रेगुलर काम किया इस पर और रेगुलर ये 4-5 पेशेंट हमारे पास है जिसकी 100% हमने बिना सर्जिकल के बिना ऑपरेशन कर किए हमने गाल ब्लैडर स्टोन को 100% रिमूव किया है यहाँ से। तो ये जो व्यक्ति हमारे पास अभी सामने वर्तमान में गजेंद्र जी भंडारी जी है और हमारे ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, और इनको जब पता लगा तो ये मेरे पास आए थे लगभग, ये इन्होंने जांच कराई जो 3 फरवरी को करी थी, उससे पहले भी इन्होंने जांच कराई और बहुत इलाज भी लिया इन्होंने एलोपैथी कर किया जो उसमें 11 mm की थी। तो लगभग ये मेरे पास जिस दिन आए 3 फरवरी को उन्होंने जांच कराई, उस समय 6 mm की थी और मैंने इलाज शुरू किया इनका 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल को जब मैंने इलाज किया तो इलाज के दौरान इनको पहली बार जब दूसरी बार हमने जांच की इनकी तो लगभग 26 मई को जांच की वो 3 mm हो गई थी और अभी 25 अगस्त को हमने दोबारा जांच कराई, आज गाल्ब्लैडर नील है। तो हम ये सभी से निवेदन करना चाहते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि गाल्ब्लैडर के जो भी पेशेंट है उनको कोशिश करने के बाद यदि वो ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, बाकी सर्जिकल इलाज जो है वो करा सकते हो, हमारे तरफ मना नहीं है। बाकी हमको पूर्ण विश्वास है कि जो लगभग 7 mm, 8 mm, 6 mm की जो पथरी होती है वो हम रिमूव कर सकते हैं बिना किसी ऑपरेशन के। तो आयुर्वेद का अपनाए, आयुर्वेद की तरफ बढ़े और भारतीय जीवन शैली पर आधारित अपना भोजन भी करना जरूरी है, अपने को अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी सभी लोगों को,
सुबह कब खाना है आपको, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और आपके बैठने का तरीका वो भी बदलना पड़ता है, और बहुत सारी जो मेडिसिन होती है साइड इफेक्ट भी आते हैं उनको भी बेचना पड़ेगा आपको। तो आपसे निवेदन है कि आप आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए, ये सबकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।